हुण तक दीआं पंजाब सरकार दीआं नवीआं जानकारियां वड्डीआं खबरां मुख खबरां निकल के सामने आ रही हैं। चलो जी तुहानूं लैके चलदे हां 2500 पेंशन हाँ जी किन्ना किन्ना नूं मिलेगी तुहानूं पूरी जानकारी मिलेगी तो वीडियो नूं अखीर तक वेख्या जाए। अज वीडियो नूं कट ना करिआ जाए, वीडियो तुहाडे वास्ते बहुत जरूरी होण वाली है। जेकर तुसीं अपने चैनल ते पहली वारी आए हो तो अपने चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन नूं ऑन जरूर कर लिओ तां जो अगे वी जरूरी आउण वाली जानकारी तुहानूं मिलदी रहे। हुण तक दी पहली जानकारी निकल के सामने आ रही, केंद्र वल्लों दिशा निर्देश जारी, राजां नूं COVID-19 प्रबंधकां लई सारियां तैयारियां रखण दी सलाह। केंद्र मंत्रालय ने आने वाले त्यौहारों के नवें साल के जश्नों नूं ध्यान में रखते हुए टेस्ट ट्रैक ट्रीट और टीकाकरण पर ध्यान देने लई कहा है। उन्होंने मास्क पहनन, हत्थां दी सफाई और शरीरक दूरी बनाई रखने लई COVID-19 के उचित व्यवहार की पालना करन दे भी निर्देश दिते हन। इस दे नाल अगली वड्डी जानकारी निकल के सामने आ रही, कोविड की ताज़ा लहर नाल निपटने लई सूबा सरकार दीआं पुख्ता तैयारियां। मुख्यमंत्री अज इत्थे पंजाब विच सिविल सकंदरत विखे अपने दफ्तर विच मुख्यमंत्री ने कोविड संबंधी तैयारियां का जायजा लैण लई सद्दी। मीटिंग दौरान सूबा सरकार के प्रबंधकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोविड वायरस के फैलाव नूं रोकण अते हरेक व्यक्ति की सेहत की राखी लई जोर देंदे हुए सारिया विद्यक संस्थावां सरकारी ते प्राइवेट दफ्तर ते अंदरूनी ते बाहरी इकट्ठ मॉल्स मॉल हाँ जी जनतक थावां आदि विच मास्क पाउण दी अपील की। इस दे नाल अगली वड्डी जानकारी मुख्य खबर निकल के सामने आ रही पी ए, पंजाब सरकार लोगों दी सारिया समस्याओं नूं हल करन लई पूरी तरह वचनबद्ध है। कुलतार सिंह संधवा अज इत्थे अपनी सरकार निवास स्थान ते सूबे भर दे वख वख इलाकां विचों आए लोगों दी समस्यावां नूं सुनदे हुए उन्होंने कहा कि सूबे सरकार वल्लों लोगों दी जायज समस्यावां नूं समयबद्ध सीमा विच हल करन लई पहले पहल दित्ती जा रही है अते इस संबंध विच किसी नूं वी रत्ती भर भी परेशान नहीं होण दित्ता जाएगा। इस दे नाल अगली वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है, मलोट हल्के दे पिंड रूपाणा पागसर मलोट अते अबुल खुराणा दे छप्पड़ां दी सफाई लई 2.50 करोड़ रुपए जारी। समाजिक सुरक्षा इस्तरी ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने जानकारी देंदिआं दस्सिआ कि मलोट हल्के दे पिंड दे छप्पड़ां दी सफाई लई सुंदरीकरण लई पिंड रूपाणा पागसर मलोट अते अबुल खुराणा नूं 2.50 करोड़ रुपए जारी कर दिते गए हन। हाँ जी 2.50 करोड़ रुपए जारी कर दिते गए ने। इस दे नाल अगली वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है, लुधियाणा च लोगों ने नंगे पजाई लुटेरे, सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है वीडियो। लोगों ने दोवें नौजवानों नूं पहला चंगी तरह कुटापा चाड़िया, दोवें हथ जोड़ के छड्डन की अपील भी कर रहे सन, परंतु गुस्से च आए लोगों ने एक नहीं सुनी अते उन्हां दे कपड़े उतरवा ले। इस पिछों पीड़ ने उन्हां नूं कॉलोनी विच नंगा ही पजा जा के कुटिया। इस दे नाल अगली वड्डी बुरी खबर निकल के सामने आ रही, ब्रेकिंग न्यूज़, खाई विच डिग्गिया फौज का ट्रक, 16 जवान शहीद। हादसाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफले का हिस्सा सी जो सवेरे थंगू वल जा रहा सी। गेमा के रस्ते विच एक तंग मोड़ उत्ते ट्रक एक टलान ते हेठां डिग गया, बचाव कार्य शुरू कर दिता गया, 4 जख्मी फौजियों नूं हवाई जहाज राही बाहर कढ़िया गया। इस दे नाल अगली वड्डी अहम खबर निकल के सामने आ रही, पंजाब वासियों वास्ते केंद्र सरकार वल्लों नवें साल का तोहफा, गरीबों नूं 2023 विच मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने जनता नूं नवें साल का तोहफा दिंदिआं गरीबों नूं मुफ्त राशन वंडन की योजना जारी रखने का ऐलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा कानून NFS के तहत 81.35 करोड़ गरीबों नूं एक साल लई मुफ्त अनाज वंडन का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रीमंडल की मीटिंग में फैसला किया गया कि केंद्र सरकार 81.35 करोड़ गरीब लोगों नूं इस साल लई अनाज मुहैया करवाउण लई करीब 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ चलेगी। इस दे नाल अगली वड्डी खबर निकल के सामने आ रही, मामला शराब फैक्ट्री का नहीं निकलिया कोई हल, हुण हाई कोर्ट च 28 फरवरी नूं होवेगी सुनवाई। इस दे नाल अगली वड्डी जानकारी, कैबिनेट सब कमेटी वल्लों ट्रक आपरेटरां नाल मुलाकात, मंगां ते हल लई कमेटी गठित। पंजाब दे वित्त योजना अबकारी ते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अगवाई हेठ कैबिनेट सब कमेटी ने अज ट्रक आपरेटरां दीआं मंगां नूं लै के नुमाइंदे नाल विस्तारपूर्वक गल कीती। इस मौके खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारू अते ट्रांसपोर्ट मंत्री ललजीत सिंह भुल्लर उचेचे तौर पर शामिल होए। कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिवाया कि मुख्य मंत्री भगवंत मान की सरकार समाज के हरेक वर्ग की भलाई लई वचनबद्ध है, इसलिए उन्होंने दीआं मंगां बारे हमदर्दी नाल विचार किया जाएगा। इस दे नाल अगली वड्डी जानकारी निकल के सामने आ रही, 11 लाख पंजाबियों ते मंडरा रहा है वड्डा खतरा, हैरान कर देवेगी एक रिपोर्ट।
कोरोना के नवे वेरियंट के सामने आने तो बाद भारत सरकार ने दे नाल नाल वक वक सूबा सरकारां नूं चौकस हो गई हैं। जरूरी एडवरटाइजरी भी जारी करती, भावें एक बार फिर एक वड्डा खतरा देश दे बूहे खड़ा होया है, पर पंजाब विच 11 लाख लोग अजिहे हन जिन्हां ने कोविड दा पहला टीका ही नहीं लगवाया है। कोरोना दे बचाव दा कवर मन्ने जा रहे कोविड टीकाकरण नूं लैके लखां लोकां विच उत्साह की कमी देखी गई है। इस कारण पंजाब दे 11 लाख लोगों ने कोरोना दी अजे तक पहली डोज भी ही नहीं लगाई। अंकड़ों के मुताबिक 40,000 लोग अजिहे भी हैं जिहड़े पहली डोज तो लगवा चुके हैं पर उन्होंने दूजी डोज नहीं लगवाई है। अगली वड्डी ते खास जानकारी निकल के सामने आ रही पी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दसिया कि विभाग वालों बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, आश्रित बच्चों की पेंशन और दिव्यांग व्यक्तियों प्रति महीना 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है, जिस दा इस समय 367,927 लाभपात्री लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, जो कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर जी के वालों ऐलान किया जा रहा, उन्होंने वालों जो बजट पेश किया जा रहा 1500 पेंशन के हिसाब न 367,927 लाभपात्री पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि विधवा पेंशन, आश्रित बच्चों की पेंशन है तो दिव्यांग पेंशन है। चलो जी, तुहानू वह खास अपडेट के उपर लैके चलते हैं। हाँ जी, जनवरी 2023 के किन्हां नूं जो कन्वेंस पत्ता शुरू किया जाएगा 1,000 ते 1500 पेंशन नूं मिला के उन्हां दी हो जाएगी टोटल 2500 पेंशन, उसके बारे तुहानू पूरी जानकारी देने हैं। तो एक होर पेंशन 2500 हो चुकी है, उसके बारे भी तुहानू पूरी जानकारी मिलेगी। सूत्रां मुताबक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके उपर लैके चलते हैं। इस फैसले तहत दिव्यांग कर्मचारियों को 1000 रुपये प्रति महीना दिव्यांग पत्ता मिलेगा। जिक्रयोग है कि सूबे की पिछली कांग्रेस सरकार 6वें पे कमीशन दी सिफारिशों लागू करद इस पत्ते ते रोक लगा दी सी, जिस संबंधी वक् वक् तनखाहों वाले मुलाजमान वालों वार वार मंगा उठाइया जा रही हैं। हाँ जी, सूत्रों मुताबक मिली जानकारी के बराबर दसा जाता दिव्यांगजन वर्ग, हाँ जी, बेसहारा अंगहीन ने जो उन्होंने जो पेंशन हैगी 1000 कन्वेंस पत्ता 2023 के शुरू किया जाएगा जनवरी 2023 के। हाँ जी, जो उन्होंने हुण तक पेंशन आ रही पी है 1500 पेंशन आ रही पी है, तो 1000 पेंशन पत्ता शुरू कर दिता गया तो उन्होंने टोटल पेंशन हो जाएगी 2500 पेंशन हाले तक। हाँ जी, बुढ़ापा जो बजुर्गों की पेंशन है, हाँ जी, विधवा जो बजुर्गों की पेंशन हैगी है, हाँ जी, उन्होंने पेंशन तो हाले तक कोई यहोजी जानकारी साझी नहीं की जा रही पी कि उन्होंने जो 1500 वाली पेंशन वधा के 2500 कर दिता जाए, हाले यहोजी कोई जानकारी नहीं निकल के सामने आ रही पी। इस दे नाल खास ते वड्डी जानकारी एक होर निकल के सामने आ रही पी जिस दे विच भी 2500 पेंशन का जिक्र किया गया है, उस संबंधी तुहानू पूरी जानकारी देने आ। वो पंजाब सरकार वालों लागू नहीं की जाने वाली स्कीम है बल्कि वो हरियाणा सरकार वालों है। हरियाणा सरकार ने पड़ा 3 और 4 कैंसर के मरीजों लिए 2500 रुपये महीनावर पेंशन शुरू करने का फैसला किया है। इस स्कीम लिए बजट में 68,42,00,000 रुपये का वक्रा उपलब्ध किया जाएगा। यह स्कीम सूबे में नवे साल तो लागू हो जाएगी। यह सहायता उन्होंने मरीजों को दी जाएगी जिन्हों की सालाना परिवारक आमदन 3,00,000 रुपये तक है। इस नाल सूबे के हज़ारा कैंसर पीड़ितों को मदद मिलेगी। इस तो पहला त्रिपुरा देश का इकलौता राज है जो स्टेज 3 कैंसर के मरीजों को 1000 रुपये की मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। सूत्रों मुताबिक जो जानकारी सी